हेलो फ्रेंड्स, मिसेस माथुर की किचन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, गर्मियों में कई बार ऐसा होता है कि हमारे यहाँ पे दूध फट जाता है। कल मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ, दूध फट गया। तो मैंने उसमें क्या किया, फटाफट गर्म दूध में ही एक चम्मच दही डाला और उसका पनीर बना दिया। उसे मैंने बंद एक कपड़े में लपेट के दबा के रख दिया, उसका सारा पानी निकल गया और इतना टेस्टी अच्छा सा पनीर तैयार हो गया। ये वो पनीर है जिसे मैंने मैस कर लिया। तो आज मैं इसी पनीर से दाल का चीला बनाने जा रही हूँ। ये मूंग की धुली हुई दाल है जिसे मोगर भी कहते हैं। ये मैंने रात को ही 2 कटोरी भिगो के रख दी थी। अब मैंने इसे साफ धो लिया है और अब मैं इसे मिक्सी में पीसूंगी। पीस करके इसका पेस्ट तैयार कर लूंगी। ये पनीर है जो मैंने घर पे ही बनाया है। इस पनीर को मैंने अच्छी तरीके से मैश कर लूंगी। ये चीले की फिलिंग है और इसमें मैं ये धनिया और हरी मिर्ची और थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार डाल के अच्छे से मिक्स कर लूंगी। तो ये चीले के लिए फिलिंग तैयार है। इसमें नमक, हरी मिर्ची और धनिया डाल के मैंने रख दिया है। अब ये दाल जो मैंने रात को ही 2 कटोरी भिगो के रखी थी दाल, इसे मोगर भी बोलते हैं, धुली हुई मूंग की दाल है। ये मैंने धो के साफ करके रखी है। अब मैं इसको मिक्सी के जार में डाल के पीस लूंगी बारीक। तो ये मैंने मूंग की दाल को पीस लिया है बारीक। इसे मैं एक बाउल में उतार लेती हूँ। इसकी कंसिस्टेंसी हमें ऐसी रखनी है जैसे हम चीलड़ा बनाते हैं ना, तो वो तवे पे फैल जाता है ना। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना है, बहुत गाढ़ा भी नहीं। ये दाल का घोल तैयार है। इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल दूंगी, बिल्कुल स्वाद अनुसार, बहुत ज़्यादा भी नहीं। और इसको चीलड़े के हिसाब से हल्का सा पतला कर देंगे क्योंकि ये फैलेगा नहीं नीचे तवे पे। इसको अच्छा सा मिक्स तैयार कर लीजिए। इसको थोड़ा और पतला कर लेती हूँ क्योंकि तवे पे फैलना भी चाहिए। तो ये मेरा चीलड़े का घोल तैयार है। तो अब हमारी पनीर चीले की पूरी तैयारी है। पनीर भी तैयार है और चीले के लिए दाल भी तैयार है। तो हम एक तरफ गैस गर्म करके ये तवा गर्म कर लेते हैं फटाफट। इसके लिए हमें ऑयल चाहिएगा, वो भी हम तैयार रखते हैं। अब हमारा ये तवा गर्म हो चुका है। मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लूंगी। इसे पोंछ लेंगे। इसमें तेल डाल देंगे। ये मोटा या पतला आप पे डिपेंड है। एक तरफ से सिक चुका है, इसे पलटेंगे हम लोग। देखिए कितना अच्छा सिक गया है। इसमें दूसरी साइड से भी थोड़ा सेक लेते हैं। ये देखिए दोनों तरफ से सिक चुका है। अब इसमें मैं ये पनीर की फिलिंग करूंगी। इसे डोसे की तरह फोल्ड कर देंगे। तैयार है दाल के पनीर वाले चीलड़े। फ्रेंड्स, आप लोगों ने मुझे अभी तक जिस ने भी मुझे सब्सक्राइब किया है उसका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। और बाकी सबके लिए भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप भी बनाइए पनीर के चीलड़े और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।